हो गया है, तो ये मेरा दो दिन तो चली जाएगा। तो अभी तो छोटी मोटी जब प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी। सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो आज सुबह के टाइम ही मैं निकल चुकी हूँ जंगल, तो आपको यहाँ का दिखाती हूँ कि कितना खतरनाक हो रखा है भूस्खलन के कारण। क्योंकि पिछली बार जो बारिश हुआ था अभी बरसात के टाइम, तो यहाँ पे पूरे पहाड़ नीचे गिर गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी जाती हूँ घास और लकड़ी लेने के लिए। तो मेरा भाई और मेरे घर के बगल की आंटी आ रही है, तो दिखाती हूँ। वो लोग ऊपर जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं। और अभी हमने बीच जंगल में जाना है, तो मैं भी अभी जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं जंगल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं ऊपर। तो देख सकते हैं पिछली बार बरसात में पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, तो बहुत सारे पेड़ नीचे गिर रखे हैं, जो कि ऊपर के जो कटने लायक हैं वो काट दिया है। अब ये थोड़ा सा गलेगा तब लोगों के द्वारा फाड़ दिया जाएगा। तो इधर भी उधर भी सब जगह, और हम ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए कितना नीचे ऊपर आ चुके हैं हम नीचे से। तो अभी हम दूसरे तप्पड़ में जा रहे हैं घास लेने के लिए, क्योंकि घास बिल्कुल नहीं है मेरे घर में। तो आइए चलते हैं ऊपर। रास्ता बहुत भयंकर हो गया है यहाँ का, तो चलने में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, और पत्थर फिसलने का डर भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं हम लोग ऊपर, तो शॉर्टकट लगा रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े पेड़ गिर रखे हैं, देखो ये। तो अब हम पहुँच चुके हैं बीच जंगल में ऊपर, और यहाँ पे हम काट रहे घास। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ये पूरा कोटद्वार और खाई देख सकते हैं कितनी खतरनाक खाई हो चुकी है। तो यहाँ भी हम धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने दो पुले घास काट दिए है। ए देख के जा भाई, इधर उधर मत घूमो तुम लोग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, और मेरा भाई अभी पेड़ के मतलब घास काट के गिरा रहा, तो इसीलिए उसको लेके आएगी, घास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं घास काटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घास काट लिया है, देख सकते हैं ये भी और ये भी। अब मैं इनके साथ बनाऊंगी लकड़ियाँ। तो आज मेरा काफ़ी घास हो गया है, तो ये मेरा दो दिन तो चली जाएगा। तो शाम को बस मैंने जाना है रनिंग करने के लिए, तो एक गट्ठा घास बना लिया और एक गट्ठा लकड़ी बना के फटाफट मैं घर की तरफ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पट्टी करवा के आ चुकी हूँ, देख सकते हैं। उनको पट्टी भी नहीं करनी आती भाई, ऐसे लग रहा पता नहीं क्या लपेट दिया होगा। और इतना खतरनाक यहाँ पे इंजेक्शन लगाया ना उन्होंने, मतलब हाथ पूरा सुन्न हो गया है, दर्द इतना हो रहा बता नहीं सकती। तो अभी कुछ दिन तो प्रैक्टिस करूंगी नहीं, प्रैक्टिस करूंगी भी तो थोड़ा देखूंगी, क्योंकि रनिंग तो होगा नहीं। मेरा हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इंजेक्शन की वजह से, तो कुछ दिन बाद मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगी। और फिजिकल की डेट सर पे है। पिछली बार भी जब मेरा बंदी रक्षा का फिजिकल था तो मेरे दोनों घुटनों में चोट लग चुकी थी, और इस बार भी मेरे फिजिकल की डेट जब सर पे है तो मेरे हाथ में चोट लग चुकी है। और इंजेक्शन इतना गंदा लगा रखा ना उन्होंने कि हाथ पूरा दर्द हो रहा है, और सूजी अलग से गया है देखो। तो यहाँ पे बकरी वाले अंकल लोग आ गए हैं, और इन्होंने अपना यहाँ पे लकड़ी रख दिया है, और अंकल जी दूसरे अपनी बकरियों को बुला रहे। तो ये आ चुकी है अंकल लोगों की सारी बकरियां, और ये अपने घर की तरफ जाती हुई। आज थोड़ा लेट हो गए अंकल लोग। तो आज मैं रनिंग करके यहाँ बैठ चुकी हूँ, एक्सरसाइज में आज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है हाथ में इंजेक्शन की वजह से। और हाथ में हाथ कट रखा था फिर भी आई, क्योंकि फिजिकल की डेट बहुत ज्यादा पास में आ चुकी है। आप भी मतलब तैयारी कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है मत देखिए, क्योंकि फिजिकल की डेट बहुत ज्यादा पास आ चुकी है। और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कभी हमारी तबीयत खराब या कुछ भी, तो छोटी मोटी जब प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को मत छोड़िए, फिजिकल पे कंटिन्यू लगे रहिए। क्योंकि जितने भी आबकारी के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि आप लोगों को 200 मीटर दौड़ना है, वो भी आप लोगों को दौड़ना है 200 मीटर 40 सेकेंड में। तो जब आप एक्सलेंट फिजिकल करेंगे तभी जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे पेपर के लिए, फिर हमें थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रोज फिजिकल के लिए आइए। और मेरी जो 200 मीटर की टाइमिंग आ रही है वो 48 सेकंड आ रही है, तो आप लोगों की कितनी टाइमिंग आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी फिलहाल मैं घास काटूंगी थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी, और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।